धर्म व स्वराज्य सत्ता के अधिकारी शक्ति स्वरूप विश्व कल्याणकारी ब्राह्मणों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। सोम रस पिलाने वाले सोमनाथ हमारे बाप टीचर और सतगुरु तीनों हैं। बाबा हर रोल में अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, कोई भी रोल हो, चाहे सखा, बंधु, साजन, सर्जन, बच्चा, हर रोल में, माता का भी रोल है ना। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नाम कोई। तो बाबा तो अपना कर्तव्य पूरा करते ही हैं, हमें भी अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। क्या है हमारा कर्तव्य? खुद की बुद्धि का ताला खुला रखकर औरों का भी खोलना है हमें, ताकि सभी को अपने स्वीट होम का रास्ता मिल जाए। बाबा आज हमें अहिंसा परमो धर्म का भी पाठ पक्का कराते हैं। न स्थूल हिंसा हो और न ही काम कटारी चलाना है। व्यावहारिक जीवन में हमें किसी को भी अपने संकल्प, बोल, कर्म से दुख नहीं देना है। दुख देना भी एक प्रकार की हिंसा ही है। हम ईश्वरीय गोद में पल रहे हैं, राजयोग सीखकर अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। आगे जो होने वाला है, जो बाबा बताते हैं मुरलियों में सीन, तो उसको देखने की शक्ति हम जमा कर रहे हैं। भविष्य सतयुगी दुनिया के ऊंच पद के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस बात के नशे में सुनते हैं 17 जुलाई के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। हम भक्ति मार्ग में कहते आए कि भगवान हम पर कृपा करो, तो हमारी पुकार सुनकर बाबा आ गए हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, ये है उनकी कृपा। और क्या कृपा करते बाबा? सतगुरु बन के साथ में ले जाएंगे। तो बाप, टीचर, सतगुरु हमारे सामने, हम उनके सामने। प्रश्न है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहते, बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। जब हम मनुष्यों से सुनते हैं कुछ भी, तो एक दो को बताते हैं ना, एक दो या कितनों को बताते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन जो भगवान हमें कह रहे हैं अब वो हमें सबको बताना है। तो बाबा कहते हैं आप समान बनाएंगे, ऐसा आपने वादा किया बच्चों ने।
तो हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। तो खुद भी लेना है, औरों को भी दिलाना है, उड़ना है, उड़ाना है। बाबा कहते हैं ये है आपका बाबा से वायदा और हमारा कर्तव्य। गीत बजाओ। बाबा का कहना मानेंगे तो दुआएं मिलेंगी और इन दुआओं से हमारे पाप की गठरी जो है वो खत्म हो जाएगी, सिर से गठरी उतर जाएगी, बोझ बंधन समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वो परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही हैं, मात पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग व याद निर्वाण धाम तरफ ही है। बाबा कहते हैं ना, मैं भल यहाँ हूँ लेकिन मुझे परम धाम में ही याद करो। क्या याद करना है? हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। वह भी घर है, यह भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना, संस्कार डालते हैं बच्चों में। तो ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अब देखो आजकल तो सब कहानी ही अलग है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, रचना रचते हैं और फिर देखो उनको समझाते हैं, संस्कार देते हैं, बताते हैं कैसे करना है जीवन में। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। बेटे का मोह पिता में, बाबा कह रहे हैं, और बेटी का मोह माँ में होता है। बेटे का क्यों होता है बाप से मुंह? क्योंकि वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, ब्राह्मण तो गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत हैं, उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। कुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं, ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। मुरली सुनी नहीं तो फिर कैसे ब्रह्मा मुख की पैदाइश कहेंगे उनको, तो वो बता नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुख कमल से अडॉप्ट हुए हैं, अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं, श्री कृष्ण जैसे गुणवान सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। हमें पता है ना कि ब्रह्मा सरस्वती थे, तो जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बेगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई दे ना सके। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं।
एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। हमें देवी देवता बनना है तो लक्षण भी वैसे ही होने चाहिए। तो यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है, सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे, न बैल में आते हैं और न जानवरों को पढ़ाते हैं। दिखा दिया है भक्ति में कि बैल, लेकिन पढ़ाते तो बाबा हम बच्चों को है ना, आत्माओं को, और आते हैं ब्रह्मा तन में। तो मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि 84 लाख का पहले से बैठा हुआ है ना। कुत्ता बिल्ली बंदर बन जाते, कीड़े मकोड़े फल फूल पेड़ सब बन जाते हैं, ये बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था, विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं, राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं, वो विष्णु को देते हैं, उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। संगम पर हमें पता चलता है, तब तो हम अपने पूरे 84 जन्मों को देखते हैं ना। तो तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉडफादर से, वो ही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत और चैतन्य कहा जाता है, सच्चिदानंद कहते हैं ना भगवान को, देखो सच्चिदानंद कहते हैं, सत चित और आनंद स्वरूप। तो हम भी हैं मास्टर सच्चिदानंद। शरीर को सत और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे, क्योंकि विनाशी है ना। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है, वृद्धि को तो हर चीज पाती ही है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है, हाँ, निंदा भी, अपमान भी, स्तुति भी होती है, और देखो प्रशंसा भी होती है। तो अखबार में छपा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर की बिल्ली, किसी बड़े आदमी का कुत्ता बिल्ली हो तो उसकी भी देखो कितनी पूछ है। तो वहां तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। देख ही रहे ना, एसी गाड़ियों में वो कुत्ते घूमते हैं, पेट्स घूमते हैं, उनका स्पा होता है, उनको शॉपिंग लेके जाते हैं, ज्वेलरी पहनाते हैं, उनके शॉप अलग है, मॉल अलग है। तो कई लोग सोचते हैं ना कि हमसे तो ये कुत्ते और बिल्ली ही अच्छे हैं, कितने भाग्यशाली हैं, लेकिन है तो कुत्ते बिल्ली ही ना। तो बाबा कहते हैं बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कई बार क्या होता है, देखो बाबा भी मुरली चलाते थे तो कोई पक्षी आकर बैठ जाता था, कोई तोता या कोई चिड़िया। तो बाबा कहते हैं ना कि देखो इसको भी, ये भी बच्चे बच्चे कह के बाबा उसको बोलते थे। तो कोई कोई जानवर भी अच्छे होते हैं, संस्कार है अपना अपना। तो बाबा कहते हैं कि वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ नहीं। तो मनुष्य भी है कई जो सिर्फ गॉड कहते हैं लेकिन उसको जानते नहीं हैं। और तोते को भी रटा दो, गॉड बोलो तो बोलेगा ना, लेकिन जानेगा तो नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? जैसे जानवर कुछ नहीं समझते और जो सिर्फ भगवान ईश्वर गॉड कहते हैं लेकिन बाबा को जानते नहीं, तो बाबा कहते हैं फिर मनुष्य और जानवर में फर्क क्या हुआ? जानवर भी तो कुछ नहीं समझता जानता ना। तो तुम अब कितने ऊंच बनते हो,
अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों पास जाना है। भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पोत्रे और पोत्रियां हैं। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक हैं जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे व पोत्रियां हैं। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के पुत्र पोत्रे ठहरे। कई तो देखो ब्रह्मा बाबा की उम्र से भी कई आत्माएं थी जो बूढ़े या बुढ़िया, तो वो भी ज्ञान में थे, बाबा से भी बड़े। तो बाबा उनको भी बच्चे बच्चे कहते थे ना, गोद में लेते थे। बाबा कहते थे ना हम जीन्स, जो बुढ़े बुढ़िया थे तो बोले हम जीन्स। तो बाबा कहते हैं कि हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के पुत्र पोत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है, यह ब्राह्मणों का कुल है ना, क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं, है ना। हम जड़ में हैं, तना में हैं, तो यह ब्रह्मा संगम पर थुर में बैठे हैं ना। हम ऊंचते ऊंच शिव बाबा के पोत्रे हैं, उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या भूलना है? देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। अभी हमको वापस जाना है डाडे के पास, अथवा स्वीट होम जाना है। डाडे के पास जाना है, सिंधी में कहते हैं ना दादा को डाडे, और स्वीट होम जाना है। हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं, बाप भी तो जरूर चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव के पोत्रे हैं, डाडे का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं, उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। एक मत होता है ना, एक राज्य, दूसरा कोई भी मत नहीं होता है, जहाँ डुअलिटी नहीं है, और वो 21 जन्मों तक चलता है, इसलिए ही वो सच्चा स्वराज्य है। बाकी तो देखो कुर्सी हिलती ही रहती है, हाँ कब कुर्सी से नीचे आ जाएं पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहाँ दूसरा कोई रहता नहीं, सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है हिंसा दो प्रकार की होती है, एक वॉयलेंस की, दूसरी हिंसा है फिर काम कटारी चलाना। एक तो हथियार जिसमें यूज करते हैं, और बाबा कहते हैं काम कटारी चलाना भी हिंसा है। हम डबल अहिंसक हैं, सतयुग में हिंसा की बात नहीं होती, न जिस्मानी न विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं। डबल अहिंसक होते हैं ना, तो अहिंसा ही परम धर्म है, उसके हम भाती बनते हैं, माना उसी धर्म को मानने वाले जो संप्रदाय हैं उनके हम भाती बनते हैं, सदस्य बनते हैं, मेंबर बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, कैसे बने सो तो वह खुद ही जान सकते। तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं, बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का यह जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं। क्यों आए हैं? हमको पढ़ाने। और परम धाम कहाँ है? परम धाम कितना ऊंच है, एरोप्लेन भी वहां जा न सके। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं? तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कौन से विमान में आते हैं? तो हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परम धाम में, वहां से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है। देखो हर एक आत्मा की, प्रकृति की, पूरी दुनिया की सर्विस करते हैं बाबा। भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है, भक्तों को कितनी उम्मीद रहती है ना। तो देखो बाबा सबको खुश करते हैं। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ, नौंदा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है, नौंदा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो। हट कर लेते हैं ना कि अब तो हम उठेंगे ही नहीं,
ये करेंगे, नहीं तो अपनी जान दे देंगे, हमको दर्शन दो। तो आंखों से जारो जार आंसू बहाते रहते हैं, है ना, जैसे कि आंसू की गंगा जमुना बह जाए। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा भी देखते हैं कि और कितना कर सकते हैं, कितना बुला सकते हैं, तब जाऊंगा, तब साक्षात्कार कराऊंगा। वह है भक्ति मार्ग। तो इस समय उनको भी राजी करता हूँ। तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। भगवान उवाच तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे, तुमको नरसे नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पड़ती है। बच्चे जानते हैं, बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप वो ही हो, हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। कब के बिछड़े, देखो कहाँ आकर मिले, आप भी वही, हम भी वही। आप वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं, हम शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बाला है। यह तो जानते हो, स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है, वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। यह बात तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो, भूल क्यों जाते हो? बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है, कल्प पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। देखते चलो कैसे इम्तहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है। माया जीत प्रकृति जीत बन गए, स्वराज्य अधिकारी बन गए, तो फिर सतयुग में जन्म होगा ना, जश्न होगा, उत्सव होगा, कैसे महल आदि बनाएंगे। बुद्धि में है ऐसे नहीं, सोने की द्वारका कोई नीचे पड़ी है वह निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ है नहीं। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है, अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया है, देखो नैया डूबी हुई है। अब तुम बच्चे सैलवेज करते हो नर्क रूपी विषय सागर से, तो नाव पुरानी हो गई है, बचाना है, अब विषय सागर से निकालना है। बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई स्थूल नाव है। तुम सागर के बच्चे जल मर भस्म हो गए थे, ज्ञान सागर के बच्चे ना, जिसको दिखाया राजा सागर के बच्चे जल मरे, काम चिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम सुंदर थे फिर सांवरे बन गए, भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे, तुम सब श्याम सुंदर हो। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं। निराकार बाप किसके तो शरीर में आए हैं ना, बाबा कभी तो आए ना, किसी के तन में तो आए ना, तभी तो इतनी महिमा है। तो बाबा कहते कि निराकार बाप किसके तो शरीर में आए हैं ना, श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा, हाँ उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है, इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं, फादर तो सच्चा ही चाहिए, नकली तो नहीं चाहिए, देखो नकली तो कितने घूम रहे हैं। तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला, वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा, स्वतंत्रता मिली। तो बाबा कहते हैं वो तो हद के बापूजी, और बाकी उन्होंने जो अपने बच्चों को दिया तो वो उनका हद का वर्षा, उनको बेहद का नहीं कहेंगे। पर देखो अभी भारत की करेंसी पे बापूजी की फोटो है।
तो यह बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और तुम ही वैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। और सबसे तोड़ना है, एक बाबा से जोड़ना है और फिर सबसे तोड़ निभाना है। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या शिव बाबा कब आए, और कोई क्या जाने, और कोई बाबा तो है नहीं, शिव बाबा तो एक ही है। तो बाबा प्यार से बैठ के समझाते हैं कि और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, देवी गुण धारण कैसे किए। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा है ओरली। देखो डायरेक्ट बाबा आकर मुरली सुना रहे हैं मुख से, इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं। भगवान बैठ सिखलाते हैं, संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारी एग्रीमेंट है, बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर। बाबा कहते हैं तुमने एग्रीमेंट बनाया है, वादा किया है, समझौता किया है कि आपसे हम सुनेंगे फिर औरों को सुनाएंगे, सेवा करेंगे। नहीं तो सुना किस लिए है? क्या खाली ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए है? तो अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, दे सहित दे के सभी संबंध आदि छोड़ो। बाप शिव तुम हो सालिग्राम, बाप और बच्चे। बाप कहते हैं हम निराकारी तुम भी निराकारी थे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम निर्वाण धाम मूल वतन आदि कहते हैं। यह सब नाम है, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन, यह सामने चक्र फिरता रहता है। तो बाबा जो भी ज्ञान सुनाते हैं, जो भी पाठ हमने पढ़े हैं, वो सब हमारे बुद्धि में घूमना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई में मात पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे से ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दूसरा, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। बाबा कहते आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। देखो हम वाचा में आते हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, और जब चुप रहते हैं तो एनर्जी सेव होती है, सेव होती है तो और क्रिएट होती है, एनर्जेटिक अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सभी व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और शक्तिशाली स्थिति होती है। कितनी शक्तिशाली हम अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं एक सेकंड भी यदि उस समय हमारा कनेक्शन बाबा से हो गया, हमने उस स्थिति का अनुभव कर लिया, तो पूरे दिन कर्म करते हुए भी हम स्वयं में विशेष शांति का अनुभव करेंगे। इतनी चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है।
तो बहुत ही कम समय के लिए होती है बाबा कहते हैं, लेकिन उसमें चार्जिंग बहुत पावरफुल हो जाती है। तो इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहते हैं और बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। तो हमें बार बार जब भी समय मिले अशरीरीपन का मास्टर बीज रूप स्थिति का मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति का अनुभव करने का अभ्यास करना है। मास्टर बीज रूप बीज के साथ बीज शिव बाबा उनके साथ हमें कंबाइंड हो जाना है। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। जैसे बाबा का एक एक शब्द मुरली एक एक शब्द महावाक्य है ना, तो हमारे बोल भी ऐसे हों जो लोग सुनने के लिए आतुर हों, सोचें कि ये कब बोलें। तो एक एक शब्द ज्ञानयुक्त सारयुक्त होना चाहिए, बाप समान महावाक्य हमें उच्चारने हैं। तो ये थी आज की मुरली जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बुद्धि का ताला बाबा ने आके हमारा खोला है, हमें भी औरों को सैलवेज करना है, उनका ताला भी खोलना है। दूसरा, सच्चिदानंद, तो हम हैं मास्टर सच्चिदानंद, सत चैतन्य और आनंद स्वरूप। तीसरा, अहिंसा परमो धर्म, तो डबल अहिंसक बनना है, न स्थूल हिंसा हो और न ही काम कटारी चलाना है। चौथा, मास्टर बीज रूप, तो ये शक्तिशाली स्थिति का हमें अनुभव करना है। और पांचवा, हमारा हर बोल महावाक्य हो, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो बाप समान बोलो। ओम शांति।